क्या दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हो, यानी कि फ़ोन को अपडेट करने के बाद उसके अंदर जो भी न्यू फंक्शन आ जाते हैं, यानी कि न्यू जैसा हो जाता है हमारा फ़ोन, अगर आप फ़ोन को अपडेट करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे अपडेट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शिवजी। और तो चलो आज की वीडियो बिना टाइम बात की स्टार्ट करते हैं। आप सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाना है आपको, फिर आपको चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों आ चुका हूं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है। दोस्तों जब आपका मोबाइल डाटा ऑन होगा तब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाओगे, फ़ोन को अपडेट कर पाओगे। फिर आप आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। यहाँ पर आप सीधा ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके भी जा सकते हो, या ऐप में सेटिंग यहाँ पर मतलब लिख के सेटिंग बॉक्स से भी जा सकते हो। तो सीधा मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको मोबाइल अपडेट मांग रहा होगा तो यहाँ पर आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ वेट लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो अपडेट मांग रहा है, यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल। यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये ना मिले तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधा ऊपर इस तरफ पे यानी कि जो नोटिफिकेशन का है इधर भी आपको ये मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। अगर इधर भी ना मिले हो दोस्तों, मैंने दोनों तरीके बताए, वहाँ भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने की ज़रूरत भी नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे सीधा सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। ये देख सकते हो सबसे ऊपर आ चुका है, इसको सर्च करके भी आप सीधा इस पर आ सकते हो। तो जो मैंने तरीका बताया आज की वीडियो के अंदर दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। इसको अपडेट करने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसको अपडेट करने से यानी कि फ़ोन का क्या सिक्योरिटी बढ़ जाती है एक तो, यानी कि मतलब जो भी आप फ़ोन के अंदर कुछ डाउनलोड करोगे वो न्यू आ जाता है, जो पुराना होता है मतलब वो नहीं होता है, न्यू वर्जन आ जाता है। तो आपने सीख लिया आज की वीडियो के अंदर, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। चैनल पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।